नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइज, मेरे सामने आपको साफ दिख रहा होगा साउंड बार, एक गियर साउंड बार नहीं है गाइज, ये गुनगुनाना है, गाना है, क्रोके है, ये साउंड बार है 120 वाट का। इसके अंदर में 1000 गाने लोडेड है, प्री लोडेड है, वो भी गाइज ऐसी गाने हैं कि आप बजाओ और थल्ले से सो जाओ आराम से, मजेदार वाली गाने रहते हैं इसके अंदर में। ये कारमा है, सरेगमा का, आप नाम से अवगत होंगे, इनके पहले भी प्रोडक्ट आता था, न्यू प्रोडक्ट है गाइज। ये वुडन फिनिशिंग के साथ में साउंड बार है, 120 वाट की स्पीकर इसमें लगी हुई है और वाटेज है, 70 वाट का बूफर है, 6.5 इंची के आसपास का उसका बूफर का साइज है, काफी जबरदस्त होने वाला है। बार का जो वाटेज है 50 वाट के आसपास में आता है, सो अल्टीमेट साउंड बार होनी चाहिए जैसा साउंड है ये, क्योंकि इंटीग्रेटेड इसके अंदर में साउंड है। जो नॉर्मली आप साउंड बार लेते हैं उसके अंदर में किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना पड़ता है अगर आपको कोई म्यूजिक बजाना है, लेकिन ये कुछ अलग हट के गाइज है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड 1000 गाने हैं, सो अपने ही गाते बजाते रहेगा, आपको कोई चीज़ ढूंढता नहीं है। हालांकि इसको आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव से भी कनेक्टिविटी होती है गाइज, किसी भी डिवाइस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है गाइस, कुछ डिफरेंट होने वाला है। इसके साथ दो माइक है वायरलेस, सो हम आज गा के भी आपको बताने वाले हैं, हालांकि मैं गाना नहीं जानता हूँ, मेरा किसी मित्र को बुला के गाना भी गवाएंगे आपको, सो कुछ अलर्ट के होगा। आगे बढ़ते गाइस, सो गाइस आपको सामने दिख रहा होगा ये वुडन फिनिशिंग के साथ बार स्पीकर है, ये मोटा मोटी 2.2 kg के आसपास बार का वेट है, मोटा मोटी 5 kg आपको वेट होगा आपका बुफर का। आपको लिख रहा सारेगामा कामरा म्यूजिकल बार है, इट्स अ डिफरेंट है बिकॉज बाकी लोग बार लिखता है, ये म्यूजिकल बार है, आप कहीं भी इसको गुनगुनाना बजाना जैसे मैंने बताया आपको चलते रहेगा। दो माइक साथ में है, इसकी बाकी जो डिटेल है गाइज एक बार और डिटेल कर देते हैं। सो गाइज यहाँ वारंटी एक्टिविटी बार कोड दिया हुआ है, इसकी प्राइसिंग 20,000 है, लेकिन नियर अबाउट 10-10.5 हज़ार के 10,000 के आसपास में आपको मिल जाता है। बहुत बड़ी जो जबरदस्त चीज़ है इसमें, इन सारे लोग जो महानुभाव लोग हैं इनके आपको गाने इसके अंदर इनसाइड मिलेगी, जो 1000 गाने हैं इसकी अलग से बुकलेट मिलेगी गाइस, उस बुकलेट में इनके गाने आप नंबर वाइज रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, जो आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे ऑपरेट करना है। कनेक्टिविटी सारी ऑलमोस्ट है, आपको दिख रही है कि ऑलमोस्ट सारी कनेक्टिविटी आज की इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो सब मिलेगी। सो गाइज अनबॉक्स करते हैं, लेट नहीं करते, मेरी भी इच्छा हो रही है देखने की अंदर कैसे काम करता है और कितना जबरदस्त है। इसके साथ में इसकी ऐप्स भी आती है जो मोबाइल में अपन डाउनलोड करके उसको ऑपरेट करके बताएंगे कैसे गाने को ऑपरेट करना है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सुंदर इनकी पैकिंग लगती है, कॉपर ब्राउन कलर से लिखी हुई है गाइस। सबसे बड़ी बात है ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, सो अपना फर्ज बनता है इसको जरूर प्रमोट किया जाए। सो गाइस पैकिंग तो बहुत मज़ा नहीं आया बिकॉज पैकिंग में सब टूटे फूटे, हालांकि डब्बा बहुत सील पैक है, लेकिन फिर भी चीज़ें अंदर थर्मोकोल सारी टूटी हुई है, और इससे प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। सो गाइस अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, काफी जबरदस्त सकल सूरत निकल के आई है जैसा आपको दिख रहा है, साइड में वुडन की फिनिशिंग है, इसके वजह से इसकी लुक जो है काफी एलिगेंट दिख रही है और काफी जबरदस्त प्रोडक्ट दिखता है सामने से। फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, बीच में आपको ब्रांडिंग है कारमा का, सारेगामा आज के दिन में एक नोन प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज म्यूज़िक के लिए जो गिफ्टिंग प्रोडक्ट है वो उसके लिए नोन है, और आज के दिन में जिनको पुराने गाना सुनना है इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में, बिकॉज यहाँ इंटीग्रेटेड है, बहुत लोगों को गाना ढूंढना, लोड करना, चलाना बहुत टफ काम लगता है। सो गाइस इसमें दो बॉक्सेस निकले हैं, इन दोनों बॉक्स में क्या है वो देखते हैं, पहले ये देखते हैं इसमें काफ़ी वेट दिख रहा है, सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं साथ में वो निकाल के देखते हैं। वायर कनेक्टिविटी सारी होनी चाहिए, 4 बैटरी है गाइस ड्यूरासेल की, सो नॉन कॉम्प्रोमाइज, बाकी ब्रांडों में क्या होता है चाइनीज बैटरियाँ आ जाती हैं जो घटिया वाली होती हैं, लेकिन यहाँ नॉन बैटरी ढंग की बैटरी है। ये गाइस गाइड है, यूज़र मैनुअल एंड सॉन्ग बुकलेट है, ये बहुत काम की बुक है, इसको कभी भी भूले नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज सारे गाने जो हैं वो आप जब गाना प्ले करना चाहेंगे तो इस बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी, इस बुकलेट से ही आप जान पाएंगे कौन सा गाना कहाँ पर है, उसके अनुसार
गाने की लिस्ट है गाइज, दिख रहा है जैसे 54 में कौन सी गानी है, 53 में आप रिमोट के थ्रू वहाँ चेंज जो करेंगे इससे है, एंड यूज़र मैनुअल साथ में, इंस्टॉलेशन गाइड है एंड यूज़र मैनुअल है, सारी डॉक्यूमेंट इसके साथ में, इसको ढंग से रखेंगे गाइज। साथ में रिमोट है, एडेप्टर पावर केबल है इसके अंदर में, तो काफ़ी वेट दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें अगर खोल लेते हैं वो ग्रेट। इसमें HDMI केबल है, इसमें ARC के साथ गाइज आता है, उसको प्लग करके देखेंगे टीवी के साथ। एडेप्टर है आपको बुफर में लगेगा कि साउंड बार में, इसको चेक करेंगे। ये एक्सू केबल है आपको, जो मोबाइल एंड कनेक्टिविटी काफ़ी चीज़ें सॉलिड है, ब्रांड जो है वो अपने आप को मेंटेन रखा है, हर एक चीज़ आपको क्वालिटी बिल्ट इन है, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रही है, चाहे पावर केबल हो, चाहे एक्सू केबल हो, HDMI केबल हो, एडेप्टर हो, हर एक चीज़ की क्वालिटी इंटीग्रेट है। इसमें बैटरी भी आपको पैनासोनिक की ढंग की बैटरी दी हुई है, ये रिमोट की बैटरी होगी। इसके अलावा गाइस क्लैंप है, जो आप बार स्पीकर जब आप माउंट करेंगे तो माउंटिंग करने के लिए इसकी जो माउंटिंग है वो साथ में दी हुई है, दीवार वॉल में ये कसा जाएगा और ये हैंग हो जाएगा इसके अंदर में। इसके बैक साइड में ऑप्शन दिया होगा, एक बार देख लेते हैं। राइट, ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ये हैंग होने की पोजिशन दी हुई है। तो काफ़ी सिंपल है इंस्टॉलेशन, बार टांगना है तो बहुत ही अच्छा किया, इससे आपको बैलेंस में रहेगा स्पीकर। नॉर्मली दो लोग बार की जो बार स्पीकर आता है उसमें दो नोज लगते हैं, कीले लगते हैं, उससे ये बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से, इसके वजह से अनबैलेंसिंग नहीं होगा। अदरवाइज बाकी जो बार होता है वो हल्का झुका हुआ दिखता है, इससे झुकेगा नहीं। ये बढ़िया इंतजाम है, बढ़िया ब्रेनिंग किया हुआ चीज़ है। इसकी फिटिंग एंड डिवाइस कैसे फिट होना है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, हर एक चीज़ को ध्यान रखा गया है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये इसका फिटिंग डिवाइस है, इसको आप वॉल में सेट करेंगे और ये जो स्क्रू पॉइंट है यहाँ पे स्क्रू कसेंगे और उसको हैंग कर देंगे। सो आपको कोई भी नापी जोखी नहीं करना है, कोई इनफैक्ट अगर आप खुद में ड्रिल मशीन रखे हैं घर में तो आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से बनी हुई है, आपको किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज ये बॉक्स भी एक डिफरेंट है, इसके अंदर में वायरलेस माइक होना चाहिए, इसको ओपन करते हैं। काफ़ी अच्छी बैग बॉक्स के साथ है, काफ़ी सुंदर फिनिशिंग के साथ दी हुई है गाइज ये, क्योंकि परमानेंट आप यूज़ करेंगे, इसको कैरिबल रहेगा, ये बॉक्स फेंकना नहीं है आपको, ये लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए। सो गाइज ये बार है, जैसे आपको बताया 2.2 kg के आसपास में दिख रहा है, मुझे फिनिशिंग अच्छी लग रही है। हालांकि मैं बहुत अच्छी ब्रांड भी आपको अनबॉक्सिंग किया हूँ, जैसा आपको पता होगा मेरे सोनी किया हूँ, वैसी क्वालिटी बिल्ट इन आपको नहीं मिलेगी, तो वो वैल्यू भी आप पे नहीं कर रहे हैं। सो वैसा एक्सपेक्टेशन करके आप वीडियो ना देखेंगे कि मैं वो उसके हिसाब से कोई चीज़ें बता रहा हूँ। जितना पैसा आप इसमें पे करने वाले हैं उससे ये बेटर है, इतना मैं बोल सकता हूँ दावे से, क्योंकि उस क्वालिटी के अनुसार जिस पेमेंट कर रहे हैं 10,000 के आसपास में, उससे बेटर ये है, वो वैल्यू फॉर मनी है। काफ़ी सुंदर इन बिल्टिंग क्वालिटी है। एक बार आपको बटन डिटेल कर दे रहा हूँ मैं साथ में, यहाँ पावर बटन दिया हुआ है गाइस, यहाँ सारेगामा का बटन है, इसके साथ में FM का बटन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, HDMI केबल है, USB लगाने की है गाइस। यहाँ माइक का बटन है, जब दोनों माइक यूज़ करेंगे ये बटन ऑन करेंगे और क्रोके मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। प्ले स्टॉप फॉरवर्ड एंड प्लस माइनस वॉल्यूम का बटन है। एक बार बैक साइड कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। कनेक्टिविटी गाइज यहाँ पे दिख रहा हुआ है, ये एंटीना पोर्ट है, काफ़ी लंबा पोर्ट है, 1 meter के आसपास में इसमें मेंशन है, तो इसको एड ऑन भी कर सकते हैं जैसा दिख रहा है आपको। कनेक्टिविटी करके आप बाकी एंटीना पोर्ट को, केबल को लंबा भी कर सकते हैं। यहाँ गाइज पावर लगाने का अडैप्टर का जगह है, यह अडैप्टर यहाँ से लगाएंगे, बूफर आउट यहाँ से होगा, सो बूफर का जो पावर है यहीं से जाएगा, जो सिग्नल जाना है यहीं से जाना है। सो ये बूफर कनेक्टिविटी की ऑप्शन है। HDMI ARC जो TV में आप कनेक्टिविटी करेंगे, वो TV कनेक्टिविटी ARC पोर्ट यहाँ से यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको 2.0 चैनल आपको मिल जाएगा आपको TV की कनेक्टिविटी। पेन ड्राइव लगाना है तो आप USB यहाँ लगाएंगे। मोबाइल जो कनेक्टिविटी आपको दिखा रहा था मैं, जो केबल साथ में आया है इसके, ये जो केबल है गई साथ में XU केबल, वो आप यहाँ प्लग करेंगे और इसके साथ में आप मोबाइल कनेक्ट करें और जो भी डिवाइस है XU कनेक्टिविटी करना चाहेंगे। एंड कोएक्सल का ऑप्शन दिया हुआ गई, सो ऑलमोस्ट सारी कनेक्टिविटी है, काफ़ी बढ़िया इंतजाम के साथ में है गाइस। इसको ऑन करते हैं, प्ले करके चेक करते हैं कैसा इसका साउंड है इंटरग्रेट। सो गाइस बहुत ज़बरदस्त सेटअप मुझे जैसा लग रहा है। इसको एक बार ऑन करते हैं, सारेगामा का पहले सॉन्ग सुनते हैं, बिकॉज जिसके जिस पर्पस के लिए मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जिस पर्पस के लिए आप इस साउंड बार को परचेस करेंगे उसको पहले सुनते हैं गाइस। ये इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है, इसके अंदर कहीं गाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, 1000 गाना इसके इंटीग्रेटेड बिल्ट इन है, सारेगामा के सॉन्ग है। तो यहाँ से आपको बटन है, आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। पहले पावर ऑन करता हूँ गाइस,
फिर यहां से सारा गामा ऑन कर लेते हैं। आप डायरेक्ट बटन भी ऑन कर सकते हैं। गाना चेंज किया हूं मैं रिमोट के थ्रू। नेक्स्ट गाना सुनते हैं, थोड़ा बोरिंग है। सर मुझे तो लग रहा है कि अनबॉक्सिंग की जगह मैं गाना ही सुनने वाला हूँ, सो इसको बाद में सुन लेंगे, आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। गाइज आगे बढ़ते हैं। सो गाइज इसको कनेक्ट कर लिया है टीवी के थ्रू, एक आपको सॉन्ग प्ले करके टेस्ट करते हैं, बिकॉज साउंड बार आपको टीवी के साथ जो कनेक्टिविटी करनी है वो भी चेक करते हैं कैसा इसमें साउंड आता है। तो मैं एक म्यूजिक प्ले करता हूँ आपको टीवी के थ्रू और साउंड बार में कैसा साउंड निकल के आता है इसको चेक करते हैं, बिकॉज इसको एज ए साउंड बार भी यूज़ करना है, खाली म्यूजिक सिस्टम नहीं है। सो गाइज प्ले करते हैं। सो गाइज एक वोकल चेक कर लिया हूँ, बार स्पीकर का क्लियरिटी जबरदस्त निकल के आई है। एक बेस चेक करते हैं, सो बुफर का क्या स्ट्रेंथ है उससे क्लियरिटी आ जाएगी। सो लेट्स प्ले। गाइज जबरदस्त बेस निकल के आते हैं। इनफैक्ट इस फर्स्ट में वाइब्रेशन है, आप जब सामने से डेमो देखेंगे तब 10,000 के वैल्यू के अनुसार आप बेस को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई होम थिएटर बड़े के साथ चेक करेंगे, जिस वैल्यू का ये प्रोडक्ट है उससे कई गुना ज़्यादा जबरदस्त बेस निकल के आता है। सो गाइज एक सॉन्ग प्ले करते हैं, क्रोके बजा के चेक करते हैं। सो फाइनली इसका जो माइक है वो समझ में आएगा कैसा जबरदस्त काम करता है, दो माइक इसके साथ आती है। सो लेट्स प्ले क्रोके प्ले करते हैं। सो गाइस इसका क्रोके फंक्शन यूज़ करते हैं, जो दो माइक साथ में है। मैं एक गाना नहीं गाता हूँ तो मैं सूरज को बुलाया हूँ जो गाना गा के सुनाएगा। बहुत इजी है गाना, हालांकि मेरे लिए इजी नहीं है, मैं औरों के लिए बोल रहा हूँ जो गाते हैं, बिकॉज स्क्रीन पे लेटर आपको दिख रहा है उसको देख के गाना है। ये आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस कर सके, घर पे आप यूज़ कर सकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम है। सो करोके अपने आप में एक जबरदस्त आपको गुनगुनाने देता है। सो लेट्स प्ले करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस काफ़ी शानदार प्रोडक्ट लगा मुझे, जो प्राइस रेंज है 20,000 MRP है, आपको 10,000-10,500 तक में लमसम आपको अवेलेबल है मार्केट में। सो अच्छी प्राइस है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिल्ट इन क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के, जो वैल्यू है उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट देखनी है, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप 50,000 के वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। एज पर वैल्यू
जरूरत से ज़्यादा क्वालिटी है, मुझे ये समझ में आया। क्वालिटी बिल्ट इन बहुत बढ़िया है इसकी, जो वुडन फिनिशिंग दी हुई है, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है, बूफर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया नज़र आई। 6.5 इंच का बूफर है, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन के साथ नज़र आया। जो मल्टी फंक्शन है उसके अंदर अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। जो बिल्ट इन सॉन्ग है वो अपने आप में अजमी है, क्योंकि उसको आप नॉन स्टॉप सुन सकते हैं। सो आपको गाइस अगर परचेस करना होगा, मैं नीचे लिंक दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।